तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। सरकार अब हरियाणा के 10 लाख से अधिक दुकानदारों और व्यापारियों का धंधा चौपट करने पर तुली है। खट्टर सरकार ने 20 अप्रैल 2020 से विदेशी कंपनियों, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को सारा सामान बेचने की हरियाणा में इजाजत दे दी है। पर हरियाणा का 10 लाख से अधिक दुकानदार कहां जाए? विदेशी कंपनियों की एजेंट तो बन गई खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर जी, पर हरियाणा के 10 लाख दुकानदारों और 1 करोड़ लोग जो उनके साथ काम करते हैं, उनके व्यवसाय का क्या होगा? खट्टर जी, हरियाणा का व्यापारी और दुकानदार 1 महीने से धंधा बंद करे घर बैठा है और 3 मई 2020 तक अब ये लॉकडाउन आपने एक्सटेंड कर दिया है। उसका उसका पूरा स्टॉक उसकी दुकान और गोदाम के अंदर पड़ा है जो लाखों करोड़ों रुपए का है। आपके आदेश के मुताबिक उसने 1 कर्मचारी की नौकरी नहीं निकाली। दुकानदार किराया देने को भी बाध्य है। इसके साथ साथ कमर्शियल हाउस टैक्स और बिजली के फिक्स चार्जेस भी बगैर धंधा और व्यवसाय किए वो दे रहा है और अपने यथासंभव मदद गरीब आदमी की दान पुण्य में भी कर रहा है। फिर खट्टर सरकार इतनी नाजायज जाति उनका धंधा चौपट करने की क्यों कर रही है? हमारे 3 बड़े सीधे सवाल हैं। पहला, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आप 20 अप्रैल 2020 से ई कॉमर्स कंपनियों को हरियाणा में सारा सामान बेचने की इजाजत दे और हरियाणा के 10 लाख से अधिक दुकानदारों का धंधा चौपट कर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये एक साजिश नहीं? दूसरा सवाल, क्या खट्टर सरकार हरियाणा के दुकानदारों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज और कमर्शियल हाउस टैक्स में छूट देगी? क्या जीएसटी में उन्हें विशेष छूट दी जाएगी? और तीसरा सवाल, खट्टर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के एजेंट के तौर पर काम क्यों कर रही है और किसान और व्यापारियों, दुकानदार और व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात क्यों कर रही है? तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।